जानी है। अल्लाह हाफिज। माई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह पाक के फजल व करम से हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, मज़े में हैं। बस एक नया दिन शुरू हुआ, बच्चे ऑफ स्कूल गए, उस्मान ऑफिस गए और उसके बाद मैं जल्दी से किचन में ही जा रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों से हेलो हाय भी कर लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैं किचन में क्या पकाने लगी हूँ। मुझे बस ये होता है कि सुबह सुबह में बच्चों के जाने के बाद और मैं जल्दी जल्दी से घर समेट लूँ, अपना सारा काम किचन का भी कम्प्लीट कर लूँ, ताकि ये हो कि जब बच्चे आएँ तो मैं बस उनको खाना, रोटी बना के दूँ और वो खाना खाएँ। और उसके बाद से आजकल पेपर्स होने वाले हैं, फेब्रुअरी का जो वीक है वो फाइनल एग्ज़ाम्स का वीक होता है और उसमें ये है, सॉरी फरवरी का जो मंथ होता है वो फाइनल्स का होता है और उसमें ये होता है कि आजकल जो इनका चल रहा है वो रिवीजन वीक है, तो उसमें ये होता है कि इनको होमवर्क रोज़ का रोज़ इतने सारे टेस्ट मिल रहे होते हैं और उसमें फिर माँ को अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं सारे काम ख़त्म कर लूँ और फिर जब बच्चे आएँ तो मैं उनको लेके बैठ जाऊँ। और दोनों को पढ़ाना होता है तो अगर एक बच्चे के एक दिन में तीन सब्जेक्ट्स हैं तो दूसरे के भी तीन सब्जेक्ट्स होते हैं, तो बस इसलिए मैं जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करती हूँ। तो चले आएँ फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को भी अपनी रूटीन दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं बना रही हूँ कढ़ी पकौड़ा और मैंने ऑयल डाला, उसके बीच में मैंने थोड़ा सा मेथी दाना जो है वो डाल दिया ताकि बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए और ये बहुत मज़े की बनती है। इस तरह ट्राई कीजिएगा मसाला भून कर। तो उसमें ये कि सॉरी आपको शोर जा रहा होगा, इसलिए मैंने ये इसको कूट के रखा है। प्याज, लहसुन, अदरक और एक हरी मिर्च। और बहुत से लोग जो है ना दही में बेसन के अलावा बस ज़ीरा शामिल कर लिया और ये इस तरह से अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च शामिल नहीं करते, लेकिन मैं शामिल करती हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है कि वैसे दही और बेसन में कुछ इतना फ्लेवर नहीं होता, तो हम उसमें थोड़ा अदरक लहसुन वगैरह शामिल करते हैं, उसकी बादी भी ख़त्म होती है और दूसरा एक उसमें थोड़ा फ्लेवर आ जाता है। तो जब ये मेरा थोड़ा सा मेथी दाना कड़कड़ा जाएगा तो फिर मैं इसमें शामिल कर लूँगी अपना अदरक लहसुन और जो मैंने सारा आमेज़ा इसका पीसा हुआ है वो शामिल करूँगी। बाकी ये कि बस सब लोगों की अपनी अपनी रेसिपीज़ हैं और सब ही मज़ेदार बना लेते हैं। मैं किसी को ये नहीं कहती कि फलाँ बंदा अच्छा नहीं बनाएगा या फलाँ से चीज़ अच्छी नहीं बनती है, सबकी अपनी अपनी रेसिपीज होती हैं और सब लोग ही अच्छा कुक कर लेते हैं। सिर्फ एक एक खाना अल्लाह पाक सबको मुयस्सर रखें बस। और हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में स्पेशली बहुत ज़्यादा है कि हमारे यहाँ हर चीज़ जो है खाने से मुंसलिक है और मज़ा भी आता है। अभी मेरे पास बस थोड़ी सी दही थी, मैंने उसमें बेसन मिक्स करके और ब्लेंड करके अच्छा सा उसको, मुझे लग रहा है थोड़ा ठीक है, मैं उसको पानी डालूँ क्योंकि हमने इसको पकने का मार्जिन देना है। हाँ क्या होता है कि कोई खुशी है तो भी खाना, अल्लाह माफ़ करे कोई गम है तो भी खाना, कोई रूठ जाए उसको मनाना हो तो वो भी खाना मतलब। और मर्दों के लिए तो कहा जाता है कि मर्दों के दिल का रास्ता जो है वो पेट से होके गुज़रता है। और ये बात सही भी है, और मर्दों क्या औरतों को भी, मतलब ये होता है कि हमारी भी ज़िंदगी में कोई भी खुशी का लम्हा आता है ना तो हम लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि और चलो बाहर खाना खाते हैं। अच्छा किस जगह खाते हैं, मतलब एक फ़न है ना, फूड जो है वो फ़न है। तो मैं कहती हूँ कि बस इस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ज़िंदगी में, इनको ज़रूर
हम लोगों को इंजॉय करना चाहिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं, हंसता खेलता बनाएं, फ्री ऑफ डिप्रेशन बनाएं, बाकी भूल जाया करें जिस वक्त खाना सामने आए या जिस वक्त आप कहीं बाहर हैंगआउट के लिए गए हैं, खाने पीने गए हैं, तो आप बिल्कुल भूल जाएं कि कोई क्या कहता है, कोई क्या करता है, या आपकी लाइफ में किस चीज़ की कमी है। थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाएं जैसे कुछ है ही नहीं दुनिया में। इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसके बीच में यहीं पर ही नमक वगैरह शामिल कर लूँगी। समटाइम्स मैं इसमें टमाटर डाल के भी ना मसाला भून लेती हूँ, लेकिन आज मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे ही बनाया है। फिर हम इसको चखते जाएंगे और इसको थोड़ा सा करते जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा इसमें बेसन भी मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि फिर बहुत गाढ़ी सी और बड़ी वो बन जाती है। मुझे थोड़ी सी पतली पतली अच्छी लगती है, मिर्चें तो कम ही रखूँ क्योंकि मैंने इसमें ना एक सब्ज़ मिर्च भी पीस कर डाली है। और फिर जो बच्चों वाले घर होते हैं ना, वहाँ पर बहुत कम नमक मिर्च खाया जाता है क्योंकि बच्चे अगर खाते वक्त बार बार पानी मांगे तो वो फिर प्रॉपर खाना नहीं खा सकते हैं, उनका पेट जो है वो पानी से ही भर जाता है और फिर उन लोगों को होता है कि बस हम उठ जाएं। और मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे एक दफ़ा खाना पेट भर के खा लें ना, फिर वो छोटा मोटा चलते फिरते कोई फ्रूट खा लिया, कोई बिस्किट ले लिया, तो वो सही रहता है। अगर बच्चों ने खाना प्रॉपर नहीं खाया हुआ हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, अच्छा अब ये दें, अच्छा वो चाहिए, ज़िद्दें भी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं बच्चों को पहले पेट भर के एक बार खाना खिला दूँ और उनको कहूँ कि बेटा उसके बाद आप खेलें कूदें। बस अब हम इसको हिलाते जाएंगे। शुरू में इसको हम थोड़ा दरमियाना चूल्हा करके या थोड़ा तेज़ आंच करके इसको हम चलाएंगे और इसको उबाल देंगे ताकि जो हमारा बेसन है वो दही के साथ पक जाए। ये वो रेसिपीज़ हैं जो सबको बनानी आती हैं, लेकिन फिर भी जब भी बनाओ तो एक लगता है कि मतलब हर घर में ना थोड़ी सी वेरिएशन के साथ होती है। कुछ लोग जो हैं वो जा डायरेक्ट इसमें डाल देंगे, कुछ बहुत प्रॉपर मसाला भूनते हैं, टमाटर का, अदरक, लहसुन, ऑयल, और फिर उसके बाद दही और उसका जो मिक्सचर है शामिल करते हैं। कुछ लोग लस्सी से बनाते हैं। इसमें उबाल आना शुरू हो रहे हैं, झाग झाग से आ रहे हैं। बस ये कर लेंगे, जब हम ये हो जाएगा इसको हल्की आंच पर रख देंगे 1-1.5 घंटे के लिए और साथ ही पकौड़े तैयार कर लेंगे। बस इस वक्त अब हम पकौड़े बनाकर और इसको मैंने इसमें छोटे छोटे से आलू काटे हैं, अनारदाना डाला है, धनिया डाला है, छोटी छोटी प्याज काटी है और अब मैं छोटे छोटे से ही बनाऊंगी ताकि ये मुझे उसके अंदर अच्छे लगें, डूबे हुए और बिल्कुल कड़ी पकौड़ा में मुझे डाल से। मैं आलू ज़रूर डालती हूँ, आलू से थोड़ा सा फ्लेवर जो है ना चेंज हो जाता है। सर्दियों में ना ऐसे खाने बहुत अच्छे लगते हैं, कड़ी पकौड़ा हो गया, और मेरा तो हमेशा से फेवरेट है। मेरा भी बच्चों में कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होता है जो कड़ी नहीं खाएगा, साग नहीं खाएगा, और फिर इतना मसला होता है ना कि ऐसे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ साग दूसरा बनाना पड़ता है। जैसे मेरा अरहम है वो साग थोड़ा बहुत खा लेता है लेकिन अरसल साग बिल्कुल नहीं खाता। अरसल जो है वो थोड़ी कड़ी खा लेगा, पकौड़े नहीं खाता। अरहम जो है वो बस वो उसको भी इतना नहीं पसंद है, तो उसको मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। इस तरह से बहुत हल्का चूल्हा करके और कड़ी को अध खुला करके रख दिया है ताकि आधा ढकना इसका खुला रहे। इससे ये होगा कि ये थोड़ा सा खुश्क भी होगी और हल्की हल्की आंच पर पकती रहेगी तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देखिए बीच में बॉयल आ रहा है इसके ना, हल्का सा हल्की आंच पर रखा है, दूसरी साइड पर मैंने कहते हैं मैं पकौड़े बना लूँ। बहुत भर के ऑयल ले लेती थी और फिर जो है वो ऑयल बच जाता था और उसके बाद मैंने उसको दोबारा यूज़ करना, तो मैंने फिर पढ़ा कि जब आप बहुत ज़्यादा हीट पर ऑयल को गर्म कर लेते हैं तो उसके बाद वो 1 या 2 दफ़ा यूज़ करने के बाद उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो उस दिन से तो मैं काफ़ी डर गई और उसके बाद अब मैं क्या करती हूँ कि मुझे जितना ऑयल चाहिए होता है
मैं उतना ही लेती हूँ, और ताकि मुझे ये कि ना, तो फिर फेंकते हुए भी आपको पता है इतनी महंगी चीज़ें हैं, तो आप उसको जब बहाएं तो वो भी दुख होता है कि जी इतनी महंगी चीज़ लाकर और आप उसको सिंक में बहा दें, तो इसलिए फिर जो है ना, और बच्चों को अगर खिला दें तो वो भी उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे जितना चाहिए होता है ऑयल, मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके काम कर लूँ और ऑयल बचे नहीं, इतना ऑयल हो कि थोड़ा पूरा हो जाए, या अगर बचता भी है तो कम बचे ना। तो बस ये इस तरह की बात है, और हम सबको चाहिए कि हम अपने बच्चों की सेहत पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। तो अब मैं जो है ना उतना ही लेती हूँ जितना कि, जैसे अभी मैं चार चार पाँच पाँच करके पकौड़े बना लूँगी, मुझे लगेगा थोड़ा है तो मैं इसमें और डाल लूँगी। कढ़ाइयाँ भर भर के मैंने रख लेती हूँ कि पका के फ्राई करके, और उसके बाद फिर वो बच्चा पड़ा रहे और उसमें मैं दोबारा दोबारा बच्चों को चिप्स बना के दे रही हूँ या दूसरी चीज़ें बना के दे रही हूँ, तो वो बहुत अनहेल्दी हो जाता है और वो बिल्कुल जहर बन जाता है वो ऑयल फ्राई होके। तो पकौड़े मैंने सारे बना लिए हैं, और कढ़ी आप मेरी देखिए कि ये कितनी कम हो गई है, मतलब यहाँ तक थी ये, और ये सारी की सारी जो है पक पक के और बड़ी अच्छी सी बिल्कुल मलाई की तरह क्रीमी क्रीमी सी हो गई है। और इसमें बस अब मैं पकौड़े शामिल कर दूंगी, और फिर इसको पकौड़े डालने के बाद भी थोड़ी सी देर पकाऊंगी, और उसके बाद जो है मैं इस पे बस अब तड़का तैयार करूंगी। और तड़का मैं लगाती हूँ लाल जो मशी सूखी हुई मिर्चें होती हैं उनका, और जीरे और प्याज ब्राउन करके उसका। तो अभी मैं तड़का बस तैयार करूंगी और हम इसमें सारे अपने ये पकौड़े शामिल कर लेते हैं। क्यों फोन के साथ मुश्किल हो, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं ताकि अच्छे से फ्राई हो। इसमें ऑयल और शामिल कर रही हूँ, और इसके बीच में हम ये मिर्चें शामिल करेंगे, थोड़ा सा शामिल कर दूंगी। तो हम कड़कड़ाएंगे तीनों चीज़ों को, प्याज तो हमारी ब्राउन ही है, तो इन दोनों को हम कड़कड़ा देंगे। Eventually PM. Dad, you call her? Hello? मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ, बस घर की तरफ आ रही हूँ। अर्शन, देखो आपके फ्रेंड हमारे साथ खेल रहे हैं, आपको अच्छा लगता है? अर्शन जो है हमारा, इसको बिठा कर ऐसे बैठ जाता है, बल्कि प्यार भी करता है, मैं उसको मना करती हूँ। ओके, सी यू। अरे टीवी की आवाज़ इतनी तेज की भी है ना अर्शन? वो भी टीवी सुन रहा है, टीवी देख रहा है, देख रही है, देख रही है। ओके, ये लिली है, इसका नाम हमने रखा है लिली, है ना अर्शन? क्या नाम है इसका? लिली। लिली, और उसका क्या नाम है? डेजी। हमारे घर में छोटे छोटे से फूल है, फूल। जी तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस मुझे वीडियो एंड करनी थी, सोचा कि आप लोगों से इजाज़त चाहूँ, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।